60 और 70 के दशक में लाखों दिलों की धड़कन, नशीला बोल अंदाज, दिलकश मुस्कान और चुलबुली अदाएं, जी हाँ, अदाकारा सारा बानो, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत, ग्लैमर, खूबसूरत अभिनय, शोहरत की बेहतरीन युगलबंदी, जिनके शबाब को प्याले से छलकते शराब सा चंचल कहा गया। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री एवं बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार नसीम बानो और फिल्म निर्माता मियां एहसान उल हक की औलाद सायरा बानो के पैदाइशी 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। जाहिर है अदाकारी उन्हें विरासत में मिली थी, मगर वालदा नसीम बानो नहीं चाहती थी कि सायरा बानो फिल्मों में काम करें। इस बीच सायरा के वालदेन का अलगाव हो गया और वालिदे जहां मुल्क के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, वालदा अपनी औलादों बेटे सुल्तान अहमद और एवं बेटी सायरा के साथ हिंदुस्तान में ही रुक गई। सायरा की पढ़ाई लंदन के एलिट क्वींस हाउस में हुई। स्कूली दिनों से ही इनका रुझान एक्टिंग की ओर होने लगा था। बाद में कथक और भरतनाट्यम नृत्य की उन्होंने तालीम हासिल की। अपनी अम्मी के ना चाहते हुए भी सायरा बानो ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1961 में फिल्म जंगली से की, जिसमें शम्मी कपूर उनके नायक थे। उनकी ये शुरुआती फिल्म ही अच्छी पहचान दे गई। इस जोड़ी की एक और फिल्म आई ब्लफ मास्टर। चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया। आज दिल को अब तक गैन था, राखी कर बैठी करार, प्यार की कसम कमाल हो गया। इसी तरह शादी। आई मिलन की बेला। अप्रैल फूल। दूर की आवाज। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हें नहीं मालूम? तुम भी नहीं जानते? किसी को तो मालूम होगा, तुम मुझे जानते हो। जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी को सराहा गया, बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानियों और रोमांटिक जोड़ियों की बात आती है, दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो की जोड़ी का जिक्र जरूर होता है। दोनों की मुलाकात, प्यार और शादी की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। सायरा बानो ने 1966 में 22 साल की उम्र में 44 वर्षीय दिलीप कुमार से शादी कर ली, मगर उम्र का ये फासला दोनों के प्यार के बीच कभी ना आया। 1967 में राजेंद्र कुमार के साथ है अमन शादी के बाद पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया। इसी साल जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म शागिर्द। एवं राज कपूर के साथ दीवाना में उनकी भूमिका पसंद की गई। उनके सिने करियर में खास रहा जब सुनील दत्त के साथ कॉमेडी फिल्म पड़ोसन ने उन्हें शीर्ष लीग में पहुंचा दिया। मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रुके ना कोई, मैं चली, मैं चली, नन्ना ना मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा, लुटे ना मेरी जान।
इसी वर्ष झुक गया आसमान। आदमी और इंसान नीले पर्वतों की धारा आए ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ऐसी फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया। शौहर दिलीप कुमार के साथ तीन फिल्में खास रहीं, गोपी, सगीना, तुम्हारे संग तो रैन बिताई, कहां बिताऊं दिन, रैन का सपना बीत गया, अब दिन में तारे गिन। और बैराग, सत्तर के इस दशक में पूरब और पश्चिम, ओ पापा प्लीज चलो कहीं और चलो ना, भारत हमारा गेस्ट है, आस्क हिम ये क्या देखना चाहता है, आप क्या देखना चाहेंगे, बलिदान, विक्टोरिया नंबर 203, करती हूँ तुमसे वादा पूरा होगा तुम्हारा इरादा, मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो, थोड़ा सा ज्वार भाटा, आरोप, दर्पण है दर्पण में कोई से खोज से सुबह शाम, बोलो जी बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम, या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है ना, दामन और आग, प्यार के बंधन में बंध गए दो दिल, प्यार के बंधन में बंध गए दो दिल, अब खैर जो होगा देखा जाएगा, अब खैर जो होगा देखा जाएगा, रेशम की डोरी, पैसे की गुड़िया, आखिरी दांव, जमीर, आपने मेरी जान बचाई, मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो मेरे गिटार को एक नया जीवन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इलाके में नए हैं शायद? पहली बार तो हर जगह आदमी नया ही होता है। नहीं, मेरा मतलब है मैंने आपको यहाँ कभी पहले देखा नहीं, इसका अफसोस तो मुझे होना चाहिए। और हेरा फेरी, सायरा दिलीप कुमार के वैवाहिक जीवन में 1972 में तब ठहराव आया जब गर्भपात के बाद डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि सायरा बानो कभी मां नहीं बन सकती, और इसके बाद दोनों आजीवन निसंतान रहे। सायरा बानो के जीवन में 7 जुलाई 2021 का दिन भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा,
जब 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया और आज सारा फिल्मी चकाचौंध से दूर तन्हा जीवन जी रही हैं। सायरा बानो भले ही आज फिल्मों से दूर हैं, तथापि 60 और 70 के दशक में वे भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार रही हैं। उनकी सुंदरता की तुलना कभी मधुबाला और मर्लिन मुनरो से की जाती थी। इंडिया टीवी ने उन्हें शानदार अभिनेत्री करार दिया और कहा, तीन शब्द जो महान अभिनेत्री सायरा बानो का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं, वे हैं लालित्य, दिव्य और भव्य।